लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। A cricketer will always get an opportunity. If he fails in one innings, if something goes wrong, he has another match. But for our jawans, if something goes wrong, there is no second chance. I salute all the jawans who are the real heroes of our land. My gratitude to all the soldiers who stand tall for our protection. I salute the guardians of peace, the heroes of India. Asli hero wo hai जो सीमा पे खड़े हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। Yes, sir. Thank you, Captain. Good night, sir. Major. Captain. कुछ नहीं सिर्फ इतना ही कहना था. You are one of the best. Thank you. मैं राह देख रही थी। वेलकम होम। हमको तो है पूरा यकीन, हम जैसा कोई नहीं। हमको तो है पूरा यकीन, हम जैसा हम जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लागल कर जीवा में तीर ऐसन। गुड मॉर्निंग मसाला डोसा साहब। Hey, Dudola! Idhar aao, idhar aao! Wada! Hey, good morning, sahab. Hey, shut up! Tum doodh pehte hai paani. Kal raat ko, dinner ke baad, main tumhara doodh piya. Aisa lagta hai, doodh nahi, ganga paani hai. Is hafta upar walan ka din hai, sahab. Ganga maiya ki jai ho. Hey, shut up! Kya baat karta hai? Ka batai, sahab. Ab wo zamana kahan raha, sahab? Kahan wo Ram? Kahan wo Ram Raj? Aur kahan wo Sita Maiya? और कहां अन्नपूर्णा जैसी काम धेनु गाय? आज के रात में इससे बढ़िया दूध और का मिलेगा साहब? रास्कल, रेवोल्यूशन, विप्लवम, हस्तला रेवोल्यूशन।
What a lovely morning. Sorry. Oh, damn. Hey. बोला फट गया ना नया खरीदा था यार खैर जाने दे कम ऑन या अंकल ये तो टेनिस बॉल है फिर भी आप इतना दूर इतना जोर से बॉल करता है गिरीश कहीं पाई ना हो जाए कि बेटा रेडी आंटी थोड़ा सा और फाइन थोड़ा सा फाइन ए आंची मत बोल वैसे भी इंडियन टीम से ज्यादा अच्छा तो मैं ही खेल लेती हूँ ओके ओके ठीक है क्या यार ठीक से फील्ड भी सेट नहीं कर पाया गिरीश गिरीश रुक 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 एक मिनट बॉल इधर ला ए ये थूकूक लगाना मुझे नहीं पसंद स्विंग करता है अब डाल जोर से ये वाह वाह मेरे टेनिस लिली वाह बोल भांगे नो बॉल अरे एक हाथ निकाल के नो बॉल तो बोल दोनों हाथ नहीं मेरी माँ भाई नहीं नो बॉल अब मेरी बैठे अरे भाई अरे देखो भाई क्या आउट नहीं हो सकते कल ही तो वापस आए हैं फ्रंट से वो वापस कैसे आउट हो सकते आंटी आउट है अभी मेरी बैटिंग क्या कहा आपने क्या मैंने मैंने क्या कहा मैंने कहा आउट वाइट कैसे हो सकता आंटी इज आउट आप जरा चलिए मेरे साथ आप जरा चलिए मेरे साथ भाभी जी आप आइए हटो यहाँ से सुनो, हटो ए, चलो आइए आप जरा बताओ ना इनको हरी ना आइए अरे आंटी चलिए चलिए वाइड ही सही क्या हुआ भाभी रंगा जी ने मुझे आंटी कहा क्या मैं इतनी बुढ़ी लगती हूँ आई एम सॉरी मैच के हिट में मुंह से गिर गया अरे रीना रंगा जी की बातों का क्या बुरा मानना कभी कभी वो अपनी बीवी को भाभी पुकारते वो तो ठीक है लेकिन आंटी रंगा जी सॉरी बोलिए आई एम सॉरी हाँ वेरी सॉरी आइंदा ऐसा नहीं बोलूंगा हाँ चलिए आंटी अरे यार बोला और कैसे हो सकता है दो बॉल था गलती से वाइड बोल दिया और तुम लोग जबरदस्ती ये गलत बात है यार खाली विकेट कीपर बना के रख दिया आप मेरी बैटिंग करो अरे मेरी बैटिंग है कमाल है नाउ कम ऑन ओके एक सेकंड ओके कम ऑन व्हाट आर यू डूइंग डैडी अब दिखाता हूं गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब क्या हुआ आप यहाँ पर अकेले मैं आपको के सामने देश का डाउनफॉल देख रहा हूँ आपने ऑफलेट अपने चश्मे का नंबर चेक किया है क्या जोक्स मजाक मैं अकेला है ना मेरा फैमिली नहीं है शादी नहीं हुआ इसके लिए सब लोग मजाक अरे नहीं रे हम तुम्हारी सेहत का ख्याल कर रहे हैं जिस देश में खेल 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 क्रिकेट बैट बॉल इसमें सब टाइम वेस्ट करता है उस देश में मजा करेगा ना माई अरे जाने दो सेक्रेटरी साहब सब बच्चे हैं नहीं 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 ये सब ओपियम पिलाया जा रहा है क्रिकेट का फीम पिलाया जा रहा है एज अ स्टेट पॉलिसी एक्सक्यूज मी मुझे जाना है मुझे विप्लवम लाना है क्या लाना है रेवोल्यूशन लाना है ओ हो लाइए लाइए आप लाइए ये सब हटाना है मुझे ये सब एक दिन हटा दूंगा ओपियम हटा दूंगा देश को बचाऊंगा हस्त लविस्ता रेवोल्यूशन सिंप्योर देशपांडे डजंट अंडरस्टैंड Oh no! अब क्या होगा रे? उफ! ये कैसा गेम है? परेशान हूँ मैं मुझसे और सहा नहीं जाता हुआ है पूरा दाल भी झूठा क्रिकेट 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 तंग करके रखे हैं ये सब ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर ऐसा
ऐसा ही पड़ा हुआ गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर ऐसा ही पड़ा हुआ गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर हमको भी तो दिखाना है कि विनिंग टीम लाना है सिर्फ एक दीवार ही तो टूटा थोड़ा सा दाल ही हुआ जूटा कैसे जीतेगा इंडिया वर्ल्ड कप समझते ही नहीं है सब यह कप का देश क्रिकेट देश का कप और यह कप का देश क्रिकेट देश का कप टंगड़ी भी नहीं हिलाते हम सिर्फ पक 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 और पक 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 कैसे बने हम गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर कैसे बने हम गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर करना है हमें प्रैक्टिस थोड़ा दैट थोड़ा दिस खेल 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 अब तो बॉयज सुधर जाओ महात्मा सुभाष को ना शर्माओ समाज का सोचो सबका हित जन कल्याण में मन न लगाओ रास्कल्स नॉनसेंस यूज़लेस वेस्ट ऑफ टाइम स्टॉप इट देश के लिए ही गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर देश के लिए ही गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर थोड़ा सा आप समझिए भी क्रिकेट अपना दुनिया है अतुल जी क्रिकेट ही तो है देश का फेविकॉल We are one and we are all cricket lovers and divana bat aur ball ka ye zamana ganna hota cricket yaha suna suna hota jaha biwi ke taane bekhar hindi gaane paise ka bojh takleef roz roz gaadi ka EMI bachon ka fees बढ़ते दम घटते रुपीस करना होता क्रिकेट यहाँ कैसे सपने देखता जहाँ करना होता क्रिकेट यहाँ कैसे सपने देखता जहाँ फिर भी देते हो तुम ताने कैसे जिएंगे हम बिन सपने चाहिए एक और गावस्कर सुहागरात में लोग क्या बातें करते हैं ये मुझे कभी समझ में नहीं आया सुहागरात सुहाग के लिए होता है जो तुमने मुझे वॉर गेम्स और स्ट्रेटजी समझाने में बिता दी सॉरी यार पर मुझे लगा कि सुहाग के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है ना और युद्ध हाँ युद्ध जैसी अहम चीज माय डार्लिंग सुहागरात पर ही क्लियर हो सकती है देखो तुम मुझे फिर डाइवर्ट कर रहे हो हाथ उठाओ मैं तो तुमसे कुछ कह ही नहीं पाई स्टॉप इट सुनो ना प्लीज
बोलो ना। मुझे तुम्हारा ये आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आता जाता हूँ इसीलिए तो हमारा प्यार अभी तक ताजा है, वरना कब का बर्फ बन गया होता। तुम्हें मेरा प्यार अच्छा नहीं लगता? नहीं 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 ओए क्यों चाहिए टीवी क्यों? वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। ओए कौन सा वर्ल्ड और कौन सा कप? क्रिकेट और कौन सा वर्ल्ड? अच्छा वो लाल गेंद जिसे पहले बल्ले से मारते हैं फिर उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं। अरे कमबख्त मेरी तरह एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज। मुझे नहीं करना उठक बैठक। बेटा मैं भी स्पोर्ट्स लवर हूँ, जब मैं तेरी उम्र का था तो हाथी से भी कुश्ती लड़ सकता था। हाँ अब भी ताकत है, ये देख। हाँ दबा के देख जरा, देख। मुझे नहीं दबाना। अरे स्पोर्ट्स के नाम पे अंडा, बस सारा दिन टीवी के सामने बैठकर ताली बजाना। अरे जाओ जाओ 2 मील दौड़ कराओ और 501 बार उठक बैठक करो, देखो कैसा लगता है तंदुरुस्त। मतलब आप टीवी नहीं ला के देंगे? अरे मेरे बाप क्रिकेट का इतना शौक है तो मैदान में जाके खेल, अपने चूटी जैसे शरीर को धूप लगा, टीवी के सामने बैठकर ताली मत बजा। ओहो पता नहीं कौन से देश में पैदा हो गया हूँ मैं। अरे भोला क्यों अपने पापा जी को तंग कर रहा? हा? देख। चल चल चल। अरे चल, कितना शोएब अख्तर आया कितना शोएब अख्तर गया। क्या देशपांडे अंकल आप क्या बोलते हैं? अबे अंकल मत बोल रहे, भैया बोल, बड़े भैया बोल चाहिए तो। अरे अंकल साला मुंबई में ना इंग्लिश का एकदम आदत पड़ जाता है, साला एकदम हैबिट। क्योंकि भाई लोग कट गया यार। अरे अंकल जी अब आप दाढ़ी बनाते बनाते मुंडी घुमाएंगे आउट सिंगर जैसा तो कटेगा नहीं तो और क्या होगा? ठीक है यार जो भी हो भाई लोग, हमने तो 500 रुपया इंडिया पे लगा दिया और 100 रुपया सिद्धि विनायक जी को पूजा चढ़ा दिया। निकल रहा यार। अरे अंकल जी अभी बंद किए देता हूँ। क्या ये? आप चिंता मत कीजिए रिजल्ट देखेगा। बस, बस 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 हो गया, बस जल्दी दाढ़ी बना यार। अरे आइए आइए मेजर साहब। क्या हाल? रवि मेजर साहब को धुला हुआ टॉवल देना। यहाँ पे साफ धुला हुआ मतलब पिछले साल धोया हुआ। इसीलिए शेव मारने का 8 रुपए लेते हैं, 80 नहीं। ए, काटना नहीं। और मेजर साहब क्या चल रहा है फ्रंट पे? सुना आजकल पाकिस्तान के पिछवाड़े बहुत खुजली मच रही है। अब उसका पिछवाड़ा वही जाने। लेकिन मेजर साहब एक ये बताइए वर्ल्ड कप पे किस पे पैसा लगा रहे हैं? चल चल। पैसा? अरे नहीं भाई, पर अपनी गुड विशेस इंडिया पर जरूर लगाऊंगा। साला हमारा सारा जोश मोहल्ले के सिर्फ सैलून तक ही चलता है। मेजर साहब मैं तो बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया का स्टीव वॉ, वाह वाह वाह। जम्मू में बुधवार शाम से 11 लोग आतंकवाद संबंधित घटनाओं में मारे गए हैं, इनमें से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी भी हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने एक आतंकवादी अड्डे पर हमला किया है। रोजमर्रा लोग मर रहे हैं देश में, क्यों राघव? सेना ने भारी मात्रा में। एक सेकंड बेबी, स्पोर्ट्स सेक्शन जरा शुरू हो रहा है। अब खेल समाचार। इंग्लैंड वर्ल्ड कप में कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दक्षिण अफ्रीका अपने पिछले 76 मैचों में। एक सेकंड बेबी, क्रिकेट की खबरें आ रही है, एक सेकंड। गेंदबाजी का भार जवाब। अरे खाते खाते टीवी देखना आंख और पेट दोनों के लिए खराब है। जी हाँ, और आप पराठे खिलाते रहेंगी तो पेट तो अपने आप ही फुटबॉल बन जाएगा, है ना? अच्छा, और रोज शाम को जो एक बाल्टी भरकर बियर पी जाते हो उसका क्या? अरे यार ये लो, प्लीज प्लीज प्लीज, और नहीं प्लीज, एक और खा लो ना, 2 घंटे से पालो के परौठे बना रही यार। ये अच्छी जबरदस्ती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है भाई, खा लो ना प्लीज। ठीक है डालो जितने डालने। अरे सुब्बू तुम कुछ भी कहो, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में सिर्फ 5 चीज बिकती हैं। सिर्फ 5? 6 भी नहीं। नहीं, ओनली 5। पहला तो क्रिकेट। क्रिकेट नहीं, क्या बात करता है? बात तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है स्वदेश जी, क्रिकेट जैसा राजा के सर पे ताज। क्या? और जैसे जैसे क्या बताऊं, माँ का प्यार। बिल्कुल सही कहा तुमने, माँ का प्यार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकता है क्रिकेट। नो नो नो, आई डोंट एग्री। आई आल्सो आई एग्री। कंटिन्यू।
और उसके बाद हिंदी सिनेमा। क्यों सरदार जी? हिंदुस्तान के किसी भी गांव के किसी भी कोने में जाइए, एक सिनेमा हॉल तो जरूर मिलेगा। और अगर आपकी तकदीर खराब हो तो वहाँ एक मिथुनदा की फिल्म जरूर चल रही होगी। सही कहा तुमने। अरे यार, और उसके बाद पॉलिटिक्स। हाँ यार, सूरज की रोशनी की तरह इन पॉलिटिशियन की करतूतें भी हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। और क्या, सुबह सुबह किस नेता ने किस नेता को गाली दी, किसने कितनी चोरी की, इसके सिवा तो निकलता ही नहीं है। कि क्या? अखबार। ओ हाँ। अच्छा भाई, तीन तो हो गए, क्रिकेट, हिंदी सिनेमा और पॉलिटिक्स। और क्या क्या बिकता है हिंदुस्तान में? भगवान। वाह। यस, हर रास्ते के हर मोड़ पे हर भिखारी भगवान का ही वास्ता देता है ना पैसे निकालने के लिए। ये रिलीजियस पीपल स्वदेशी। यस, इसीलिए दुनिया में और कहीं भी भगवान के नाम पर इतना पैसा नहीं लूटा जाता और कोई देता भी नहीं। अच्छा स्वदेश जी, और क्या बिकता है हिंदुस्तान में? और सेक्स। सेक्स? मालूम है हम मुंह से इतना पानी क्यों निकालते सेक्स के नाम पर? क्यों, 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 क्यों? क्योंकि वो चीज हमसे ठीक से होती ही नहीं। और अगर होती तो क्यों परवाह करते? अरे देखते भी नहीं। देखा विदेश में पानी की तरह पी जाते हैं। अरे जो जिसकी कमजोरी वो उसी पे मरता है, सेक्स हो या क्रिकेट। वो बंडल सैलरी का देना। मार्केट में। अरे भाभी जी हाँ, वो सूप के लिए थोड़ी सैलरी लेनी थी। राघव टैक्सी में वेट कर रहे हैं, इससे जल्दी में हूँ, उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं आज। अच्छा मैं चलती हूँ भाभी। ए बीना, हाँ देखना वो कितनी लकी है ना, सैलरी का सूप पीती है, शॉपिंग भी करती है, नहीं तो हमारे वो। और नहीं तो क्या, संडे के संडे गार्डन में बैठ के झक मारते हैं। वही भाव है, लेना है तो ले, नहीं तो आगे वो दे दे। शूटिंग है, शूटिंग। अरे जल्दी करो, दुकान बंद करने की है, वो भी शूटिंग हो रहा है। शूटिंग, शूटिंग। अरे चलो दीदी, शूटिंग, चलो चलो घर चलते हैं दीदी, शूटिंग चलो चलो। अरे नवीन भाभी आपने सुना? शूटिंग होने वाली है। दिन दहाड़े इस देश में क्या हो रहा है, भाईगिरी, गैंग वॉर, एनकाउंटर, चलो चलो घर चलो चलो। अरे घर कौन जाएगा, यहाँ तो रोमांटिक गाना होने वाला, हीरो अपनी शर्ट निकालने वाला है। व्हाट इज दिस, नो शर्ट, पब्लिक इंडेसेंसी, मैं अपना देश का डाउनफॉल देख रहा हूँ आंखों के सामने। हीरो गाना? अरे कौन क्या उतार रहा है? अरे यार शर्ट। संभल गिर ना जाना यार, ऐसे ना मचल जाए ना फिसल, गिर ना जाना कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हो जाता हर कोई स्टंट, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हो जाता हर कोई स्टंट। मेरी स्टंपिंग हो गई रे, मेरी स्टंपिंग हो गई रे, हाय स्टंपिंग हो गई रे, हाय स्टंपिंग हो गई रे, हाउ इज दैट। Hurry!
हमसे तो कहा था किसी ने जो जीता वही है सिकंदर। हारे हम ना कभी कोई बाजी फिर भी क्यों है सर्कस के बंदर। दुनिया है मुट्ठी में किसकी, दुनिया तो बस रेत है बिखरती रहे बिछड़ती रहे बिखरती रहे बिछड़ती रहे रह जाता हर कोई स्तंभ। मेरी स्टंपिंग हो गए रे हो स्टंपिंग हो गए रे ओ स्टंपिंग हो गए रे अयो स्टंपिंग हो गए रे हाउस दैट। सारी खुशियां थी बाहों में अपनी और खुशियों की बाहों में हम। आया चुपके से कैसा ये तूफान आज तन्हा है राहों में हम। जी ले तो ये लम्हा जी ले कल किसने देखा है रे ये सर कब झुके ये सांसें रुके ये सर कब झुके ये सांसे रुके चले हो के दुनिया से सब। अल्लाह स्टंपिंग हो गए रे रामा स्टंपिंग हो गए रे ओ पापे स्टंपिंग हो गई ओ गॉड स्टंपिंग हो गए रे। तुझे मालूम है मेरा मौसी लड़का एक बार क्या बोला था? क्या बोला? बंगाल में पुराने जमाने में बाप बेटे को लेकर सोनागाछी जाता था। कहाँ ले जाता था? अबे सोनागाछी। ए तू फुसफुसा क्यों है यार? चुप चुप। अबे सोनागाछी कलकत्ता का सबसे बड़ा यार ये सिग्नल विग्नल मेरे को नहीं समझता, बोल ना। अबे ये जगह रियली? हाँ। बाप लेके जाते थे? क्यों? ताकि बेटा बड़ा होकर तेरे जैसा उल्लू का दुमना बने, आदमी बने। क्या फिलॉसफी थी यार उस जमाने में। हाँ ये अमेरिकन मसाला के सब खत्म हो गया हमारा कल्चर। मतलब समझा? नहीं। मान ले अगर तुझे पक्का आदमी बनना है यानी कि मर्द, तो कोई एक, अब मैं तुझे कैसे बताऊं यार, तू एक एक्सपीरियंस्ड औरत की तलाश कर जो तुझे प्यार की ए बी सी डी सब कुछ सिखा सके। हाँ यार। हाँ यार क्या, अब खा पी के तैयार एक एक्सपीरियंस्ड औरत की तलाश कर। और सुन, स्कूल की लड़कियों और कॉलेज की लड़कियों पीछे घूमना बंद कर, एकदम फालतू होता है, एकदम टाइम पास। ए वो देख रीनाई। बस कितना भाई? 80 रुपये साहब। क्या बात है, आज क्रिकेट नहीं हो रहा? अरे वो हमारे बैट का स्पॉन्सर है ना खेत्रपाल अंकल, वो नया टीवी खरीदने गए वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा अच्छा, बाय। ओके एंजॉय योरसेल्फ, सी यू लेटर। हाय अल्लाह, सचमुच क्या पटाखा चीज है यार मेजर राघव की बीबी। ये यार भगवान भी दुश्मन है यार। क्यों यार? ये मेरी मदद भी नहीं करता ताकि मैं मेजर की बीवी को पटाऊं। प्यार का एबीसी जो सीखना है। तू तो एबीसीडी पे ही अटका रहेगा, हाँ एक्स वाई जेड पे कभी नहीं पहुंचेगा। हाय अगर एक बार छुपाऊं ना एकदम हौले से यार। किसे? मेजर राघव को? चुप साला। सपने में शक्ति कपूर। I
ओ मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी। बंकर में तुम्हारे मियां का ये नाच ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी तो ऐसे जोश में नाचता है कि बीवी की याद भी नहीं आती। अच्छा नहीं तभी तभी माधुरी दीक्षित की याद आती है। यार खान प्लीज यार वो अपना स्पेशल आइटम दिखाना अपनी भाभी को। कौन सा? रंग बरसे भीगे। अरे वही दिखा के तो पटाया था मैंने रोमी को। अब से इंतजार कर रही हूँ भैया कि कब ये बंदर नाचना बंद करेगा। यार मियां सरासर ज्यादती है ये। यार एक बात बता तू हमेशा मेरे डांस के पीछे क्यों पड़ी रहती है? हाँ यार रोमी क्या तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया था कि लंगड़े को लंगड़ा नहीं और बंदर को बंदर नहीं बुलाते? क्या शराब भी। एक बात बताऊं भैया। क्या? कुछ दिनों से बोलो मेरी बाई आंख बहुत फड़फड़ा रही है। मेरी माँ मैं नहीं मेरा बाप आंखों का डॉक्टर था। मेरे सोल रेस्ट इन पीस। कल रात को मैंने एक बुरा सपना भी देखा। यार रोमी अच्छी विस्की का दाम पता है क्या? नहीं। जिंदगी कल थोड़ी ना है आज है इसी पल में है। जियो यार जी भर के जियो इसे। जितनी खुशियां बांटनी है बांटो जितना प्यार देना है दो। सपना और आंख को मारो गोली जीना इसी का नाम है। Cheers. कल क्या होगा किसको पता अभी जिंदगी का ये लो मजा। Cheers. बेटा जब बोल रहा इतना तो क्या यही कि अपने अपने घर में टीवी नहीं है। देख तू उसकी हाँ में हाँ मत मिलाना। मैं उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में सब लोग बोल रहे हैं कि लालटू सिंह तुम जैसा आदमी इस दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ वो तो है लेकिन। लेकिन क्या? अरे हमारे भोला को टीवी देखने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। अरे टीवी देखकर कोई बड़ा आदमी बनाओ तो मुझे बताओ और वो भी क्रिकेट। ओहो टीवी ना देखकर कोई बहुत बड़ा आदमी बना है तो बताओ। बिशन सिंह बेदी क्या टीवी देखता था? अरे सब पड़ोसियों के घर में टीवी है हमारे घर में टीवी नहीं है। अगर पड़ोसी तुम्हें खिड़की से कूदने के लिए कहेंगे तो कूद जाओगी? हाँ कूद जाऊंगी। ए बक बक मत कर सोने का टाइम हो गया आ जा। नहीं आती। आ जा ना यार। जान तुम्हें लगता है कि प्यार कभी खत्म हो सकता है? सच्चा प्यार कभी नहीं। और चाहत? मालूम नहीं। हमारे कंपनी में जो लेफ्टिनेंट है ना एक बार पीने के बाद बहुत बड़ी बात कही। क्या? कहता है कि जिस औरत के साथ यू आर कंप्लीटली हैप्पी इन साइलेंस जिसके साथ तुम अपनी दिल की खामोशी शेयर कर सकते हो उसे जिंदगी भर प्यार कर सकते हो। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनके पास शादी के बाद एक दूसरे से कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। टीवी से बातें करते रहते हैं। हम वैसे नहीं। मैं तुमसे कितना कुछ कह देता हूं बिना कुछ कह के। राघव क्या मैं जिंदगी भर तुम्हें सुन सकूंगी महसूस कर सकूंगी? जिंदगी भर ही क्यों तुम एक्सक्यूज मी इस वक्त कौन हो सकता? हेलो हाँ बोलो। नहीं यार नो प्रॉब्लम। अच्छा आई सी ऑल द बेस्ट गुड लक एंड एंजॉय। हाँ गुड नाइट। कौन था? वो खान। घर पहुंच गए ठीक ठाक? कहता है रेजिमेंट से फोन आया। क्यों क्या हुआ? वैली में थोड़ी बहुत शेलिंग हुई है रिपोर्ट करना होगा। बेचारा इस बात से तरसता है कल वो इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच है ना वो मिस करने वाला है इसलिए आज से ही टीवी के सामने बैठ के इंडिया के लिए दुआ मांग रहा है। क्या पागल है साला? नहीं क्या कह रहा था वो? क्या आज से ही टीवी के सामने? नहीं कश्मीर में क्या? कुछ नहीं बेबी वैली में थोड़ी हैवी शेलिंग हुई है कल रिपोर्ट करना होगा। क्या तुम्हें भी? शायद। अटेन बड़ा माटे चेतावनी क्रिकेट इज ओपन ऑफ द मासेस क्रिकेट हटाओ देश बचाओ।
Cricket is opium of the masses? Cricket hatao, desh bachao? Cricket is opium of masses? What nonsense! Cricket hatao? Opium my foot! For men like him, I'll rather stay single all my life. Well, not all. Dukho. Dukho. Hey, Dukho. Hey, Dukho, tumko saade ka paisa deta hai. Secretary sahab, aap kono aafat aayi hai ka? Nahi, nahi, dekho, suno. ये इम्पोर्टेंट पैम्फलेट है आज सोसाइटी में जो भी आएगा जाएगा उनके हाथ में देने का सबको हैं बोलने का नया नहीं पर इमा है का साहब विप्लवम विप्लव विप्लवम है ओके ऑल द बेस्ट लागल कर जीवा में तीर ऐसन ए, रुकवा राम राम दुखी चाचा राम राम का हुआ दुखी चाचा हीलो इका रखो इका बा विप्लवम विप्लवम का चक्कर बा कैसे बताई तो के पिया चल जल्दी आज लेट हो गए हम लोग जल्दी चल Good morning, uncle. Good morning. आज लेट हो गए देख Good morning, uncle. ए, ये देख, ये सब किसने किया? शह, कौन लगा ये सब? अरे रुकना भाई, मैं भी पीछे हूँ. अरे ये लो बिटवा ये लिए जाओ. ये क्या है? अरे है करो चीज ली जाओ. कौन दिया तुमको? ठीक है, ठीक है. अरे करो दीन है, इका रखो लिए जाओ. लगता है कोई चर्सी का काम है. Stupid. What do you think of himself? Jai Ram Ji ki. Enna ma? Kya hai ye? Kaam dhanda nahi kya kisi ko? Kya hai? Arre bahut badhiya cheez hai sahab, dekho. Oh, Dukhi Ram, bahut changa kaam kar rahe ho. Salaam sahab. Salaam sahab. Stop. क्रिकेट हाँ तो क्या किसने भेजा ये दीन है कौनो बटना है ना हाँ बस इतना ही है अरे देना अरे बांटना ही है ना स्टूपिड पास कर ये अरे मैं बांट देता हूँ ना सोसाइटी का आदमी है नहीं आयो Look out! Hey, excuse me. Bada button, bada button. Hey, get the ball. Get. Oh, good morning, Subramanian. कहीं क्या बात है? कुछ नहीं. आपने सब ऐसे उड़ा दिया. बेकार सब. अच्छा ये बताइए किसने किया है सब? किसका काम है? बाबे वो क्या है कि इतना डर्टी हो गया, गंदा हो गया, साफ कर दो. मेंटेनेंस का पैसा नहीं देता क्या मैं? झाड़ू वाले को बुला के साफ कराइए ओके हाँ देर हो रही है बाय रास्कल उप्स सॉरी यार प्लीज यार फिर से शुरू मत होना मैं ये जैम हाँ? क्या हेलो कौन नहीं यहाँ पे कोई बुकी वुकी नहीं रहता क्या कह रहे थे तुम मैं ये जैम नहीं ले जा रहा पाइनएप्पल जैम तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ ब्रेकफास्ट में बात क्या नहीं कर... है जान आखिर वेट भी तो देखना पड़ता है पिछली बार पॉमी कुत्ते ने खाया था ठीक है हटो दे दो मुझे प्लीज तुम भी कभी कभी हद कर देती हो आखिर जैम में कोई इमोशनल होता है क्या
ठीक है, अगली बार नहीं रुकूंगी, माफ कर दो। रीना, रीना प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज लुक, डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी, प्लीज। Reena, please try and understand. A job needs to be done and I have to do it. Somebody somewhere needs me, Reena. I feel the whole country looks up to me. Raghav. Jeetega bhai, jeetega. Jeetega. Jeetega bhai, jeetega. Jeetega. Jeetega bhai, jeetega. Jeetega bhai, jeetega. मेरे प्यारे तीनों बंदरों, गौतम, गिरीश और भोला, और छोटे छोटे कॉमरेड साथियों, और मेरी घरवाली, आज मैंने अपना नया टेलीविजन इंडियन क्रिकेट टीम को सौंप दिया है, समर्पित किया है भारत वर्ष को। आज वर्ल्ड कप का वो सुनहरा दिन है जब इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेल रहा है, और इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया मैच जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अंकल ये मैच चालू हो गया। मैच चालू हो गया। अरे अंकल हार तो निकालिए। ओहो, अरे रे मैच शुरू हो गया भाई। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया में जीतेगा। कुछ दिनों के लिए पूना क्यों नहीं चली जाती अपने पेरेंट्स के यहाँ? मुझे तुम्हारे लिए इंतजार करना अच्छा लगता है। तुम पागल हो? नहीं तो क्या, तुमसे शादी करती। वो बात भी सही है। वैसे भी घर फिर से पेंट करवाने का सोच रही थी। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, 3 साल तो हो चुके हैं ना। कम इन, दरवाजा खुला है। हाय अंकल, हाय आंटी। गिरीश यार एक बात बताओ, क्या हम लोग इतने बुढ़े लगते हैं? Forget this uncle auntie, call me Raghav and her Reena. Oh yes, sorry. Hi Raghav, hi Reena. Hi Girish, you're doing fine? Yes, I'm fine. Paul? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं कल पिकनिक है मेरी श्रीनगर में। Wow, सुना है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ गए थे हनीमून के लिए। अच्छा? हाँ। वैसे अभी भी मून तो निकलता है, बस हनी की थोड़ी कमी है। आई नो व्हाट यू मीन। एनीवेज हम लोग एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा? हाँ। किस लिए, किस लिए? नए क्रिकेट बैट के लिए? अरे नहीं नहीं, वो प्रोजेक्ट तो अगले महीने हम लोग टेकअप करेंगे, ये तो इंडिया के लिए है। अच्छा? हाँ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स? अरे नहीं नहीं, वर्ल्ड कप के लिए। आई सी। पता है जिस दिन इंडिया जीतेगी ना, उस दिन हम लोग पूरी सोसाइटी में मिठाइयाँ बांटेंगे। गुड आइडिया। पर हारे तो? हारे तो भी बांटेंगे, अगर जीते तो खुशी से, हारे तो आंसुओं से। ये लो। इस 50 ओके? यस अंकल। ओ सॉरी सॉरी राघव, बाय, थैंक्स। मैंने चेकबुक तो साइन कर ली ना? हाँ। वैसे भी जान, मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली, इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज कॉल हिम, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी। रीना, हे, क्या हुआ बेबी? पता नहीं, तुम्हारे जाने का टेंशन, शायद स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वैसे कुछ नहीं, प्रॉमिस मी कल तुम डॉक्टर मांडके से मिले जाओगी। हाँ, नो एक्सक्यूजेस। दैट्स माय गर्ल। ठीक हो? जाओ तुम, डोंट वरी अबाउट मी। देर हो रही है। चलो सुनो, थोड़ी देर और रुके जाओ ना। मैं तुम्हें हर पल महसूस करूंगी। इतना
इतना चिल्ला मत, अगली बॉल में आउट हो जाएगा तेंदुलकर। कुछ भरोसा नहीं अपने बंदों का। कौन बोला? कौन बोला ये? अंकल बोला, 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 बोला। निकाल इसे, निकाल इसे। अरे अपनी इंडिया में ऐसा निगेटिव सोचने वाला होगा तो कैसे खेलेगा तेंदुलकर पॉजिटिव? निकाल इसे, निकाल निकाल निकाल। अरे चल निकल से, क्या कर रहे हैं? गौतम, अरे क्या कर रहे हैं? जब साउथ अफ्रीका बम्बू देगा तब पता चलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार बटालिक में घमासान युद्ध जारी है। खबर मिली है कि पाकिस्तान ने कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया है, पर कारगिल में आज सातवें दिन भी भारतीय सेना ने एलओसी के पूर्वी बटालिक और उत्तरी द्रास के पहाड़ी इलाकों पर भारी बमबारी की। सेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने आतंकवादियों पर मशीन गन्स और मिसाइल से हमला किया। गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस अभियान में भारतीय सेना के 25 जवान और 4 सेनाधिकारी मारे गए। गौतम मारना चाहिए ना, भोला का है, भोला जाने दो ना, जब बुला के ला ना, जा जा बुला के ला, जब बुला के ला। Come on, Dravid, come on, बेटा। अंकल हाँ बेटा, चौका मारना चाहिए ना। मारना तो चाहिए, मारेगा। नहीं यार। क्या? मेरे को नहीं आना है बस। फिर इधर बैठा क्यों है तू? नहीं देखना है क्रिकेट। हाँ, गौतम। गौतम। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार, उसको बहुत बुरा लगा लगता है बेचारे को, नहीं? कहीं इंडिया हार ना जाए। Come on, Dravid, come on! दिख दिख, अभी चौका मारेगा। माँ, अरे पुत्र क्यों है तेनू? सबके घर में टीवी है, अपने घर में टीवी नहीं है। अरे तेरे डैडी को टीवी पसंद नहीं है ना बेटा, इस वास्ते। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए टीवी जरूर लेकर आऊंगी। कब? जल्दी कहा ना मैंने। रेडियो से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से 400 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो सुइसाइड मिशन पर हैं, यानी कि सरेंडर नामुमकिन। They are armed with machine guns, assault rifles, PK guns and rocket launchers. वहाँ उन ऊपर हाइट्स पर छुपे हुए हैं। We have to flush them out, troops. Come on. Sir. बाबा, आपका आशीर्वाद लेने रीना आई है। अरे खुश रहो। पहचाना आपने ना? रीना, तुझे मालूम है जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक क्या है? क्या है बाबा? दृष्टि। क्योंकि जिसे हम देखते हैं ना, उसे चाहने लगते हैं, फिर उसका लोभ पैदा होता है मन में, और अगर वो कहीं खो जाता है तो बहुत दुख पहुंचता है जिंदगी में। लेकिन जिसे हम देख ही नहीं पाते, वो हमसे कभी खोता नहीं, क्योंकि उसका मिलन तो हमारे मन के साथ होता है, दिल के साथ, आंखों के साथ नहीं। अच्छा, इतना ही ज्ञान काफी है, अभी हूं कुछ दिन यहां। जी बाबा, इस तरफ से। चल भाई। बाबा, बाबा मेरी एक समस्या है। हाँ हाँ बोलो। क्या है, मैंने आईटी में बहुत सारा पैसा डाला है, शेयर्स में, लेकिन मार्केट उठ ही नहीं रहा है। तुम्हारी समस्या तो गंभीर है स्वदेश, तुम्हारे पीछे हरीश खड़ा है ना? हाँ गिरीश, यहाँ पर। गिरीश। गिरीश, तुम्हारी भी कोई समस्या है? बाबा,
इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा ना? अरे बाबा को ऐसे फालतू सवाल पूछकर परेशान मत कर। नहीं 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 स्वदेश, तुम्हारी और इसकी समस्या में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, इसका दिल लटका हुआ है। और मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता हूँ। मुक्ति चाहते हो स्वदेश अपनी समस्याओं? जी बाबा चाहता हूँ। तुम दोनों की समस्याओं की मुक्ति रीना है। जी रीना। जी बाबा। खुश रहो बेटी, रीना को जानते हो ना? जी बाबा। तो गौर से देखो इसे, इस तरह देखो जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। और अब इसकी आंखों में इसके पति राघव की तस्वीर देखो। राघव जो हमसे मीलों दूर वहां बर्फ में खड़ा है। दुश्मन की तोप के गोलों, गोलियों की बौछारों और बारूदी आग के बीच। वो वहां खड़ा है जहां एक पल में बर्फ की सर्दी मौत की ठंडक में बदल सकती है। वो वहां खड़ा है जहां जिंदगी और मौत एक खेल है। और अब देखो उसकी आंखों में, क्या तुम्हें वहां कोई डर दिखाई देता है? नहीं, राघव की समस्या डर नहीं है, उसकी समस्या है कि उसे उसे और ज्यादा शक्ति, और ज्यादा जोश, और ज्यादा उत्साह चाहिए दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। उसी शक्ति की तलाश में है वो। वहां बर्फ में खड़े राघव की यही समस्या है। बाबा। अब बताओ स्वदेश, क्या तुम्हारे स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव राघव की समस्या से बड़ा है? जी जी नहीं बाबा। और गिरीश, क्या तुम्हारे देश का वर्ल्ड कप जीतना राघव की समस्या से बड़ा है? नहीं बाबा। भगवान ने दृष्टि दी है बेटा, उसका उपयोग करो, मुक्ति मिलेगी। जिम्बाब्वे से भी हार गए। सच अंकल, क्या क्या खेलता है? चुल्लू भर पानी में डूब मर सब खेलता है। कल्लू के एक ओवर में दो आउट। छी छी छी, मोट खराब हो गया है। हटा हटा इसे। के अनुसार बटालिक में घमासान युद्ध जारी है। खबर मिली है कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना लगातार दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रही है। अब तक सेना के 46 जवान मारे गए हैं, 175 जवान घायल हो गए हैं और 12 जवान लापता है। टीवी में जहाँ देखो युद्ध की खबर, लड़ाई। कंटाला गया रे, कंटाला गया। इससे अपना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अच्छा था बंधु, कम से कम इंडिया जीतता तो था कि नहीं। एक कल्लू की एक ओवर में दो आउट। चा, चा, चा। अरे अंकल, ये अपने बंदों को तो मैं भी बॉल डालता ना तो भी आउट हो जाते। अरे दिन भर टीवी एड में नाचेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे? ठेंगा। बमबारी के बीच चौकियाल, रणबीरपुरा, तसर, तंद्रास, बम्बट, कोशान और आसपास के गांव में तनावपूर्ण वातावरण रहा। शुक्रवार को रात पर हमला शुरू हुआ। जिला अधिकारी भयभीत लोगों को कारगिल से
40 किलोमीटर दूर शंकु की सुरक्षित जगह पर ले गए। गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस अभियान में भारतीय सेना के 25 जवान और 4 सेना अधिकारी मारे गए। I will always love you. I will always love you. हाय आंटी। उप्स, फिर भूल गया। हाय रीना, पता है आज इंडिया हार गया। क्या? जिम्बाब्वे से। I'm sorry. No problem. ये लीजिए मिठाई खाइए। मेरा मूड नहीं कर रहा, तुम मेरे हिस्से की खा लो। ठीक है। कितने अजीब हो, हार की मिठाई बांटते फिर रहे हो। बाय। अबे घुचू, क्या हो गया तुझे? मैं सपना देख रहा हूँ। अबे सुबह कब का हो गया है? दोपहर होने के जा रहा है। अबे ये कभी ना खत्म होने वाला सपना है। एक क्या दिख रहा है, बोलना। मालूम है कल क्या हुआ? क्या? मैं रीना के घर गया मिठाइयाँ देने। फिर? वो तभी तभी नहाकर निकली थी बाथरूम से, पूरे शरीर पर ऑडिकोलन लगाकर। फिर मुझे देखा, मेरे पास आई, एकदम पास। मेरा दिल हुआ कि उसे ले लूं अपनी बाहों में। उसके बदन की खुशबू आई, पकड़ने वाला था उसे अपनी बाहों में कि फिर बोलना। अरे वो साला इंडिया हार गया ना, इसीलिए मेरा हिम्मत नहीं हुआ। रे तो फिर क्या? फिर क्या, वो भी मुझे अपनी बाहों में लेना चाहती थी। हॉल से मुझे छुआ एकदम ऐसे। फिर मेरी तरफ मुस्कुराई, फिर मुझे कहा, गिरीश तुम फिर आना। हाँ फिर क्या, साला मैं खो गया उसके सपने में और क्या। अयो बब्बा, कल से मिठाई मैं बांटूंगा। ए चुप कर, वो मिठाई का आइडिया किसका था? तेरा। हाँ वो मेरा डिपार्टमेंट है। अच्छा ये बता, नेक्स्ट मैच किसके साथ है इंडिया का? श्रीलंका के साथ। ए, फिर तो अपन जरूर हारेंगे। हारेंगे जरूर। फिर वो मुझे अपने कमरे में बुलाएगी, सीने से लगाएगी। फिर क्या, ए बी सी। हे रीना। राघव, मैंने तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था रीना कि मेरा अपना घर होगा। अपना? और मैं? तुम मेरी अपनी नहीं हो क्या? नहीं, मुझे बराबर का शेयर चाहिए, इक्वल शेयर। तुम मेरे अपने हो और ये प्यार व्यार शादी वादी के चक्कर तक ठीक रहता है। इस घर का हिस्सा आधा मेरा और तुम्हारा, बस। नहीं। हाँ नहीं? नहीं नहीं नहीं। पर ये सब समझ नहीं। क्यों? आ, राघव, you're so heartless. हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुमको, आउच, क्या कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ मेरे हिस्से का भी तुम ही रख लो। Really? Mm-hmm. When I come back from my wars or from a hard day's work, दाल रोटी तैयार रखना। बिस्तर सजा के रखना। अच्छा। And most importantly, सबसे अहम कंडीशन है ये। क्या? जिंदगी की हर शाम, हर शाम प्यार भरी होनी चाहिए। Every night. नहीं 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 नहीं। यार क्यों इतनी हार्टलेस बन रही हो रीना? हमारी अभी अभी तो शादी हुई है। Ouch. Okay then. Every alternate night. Probably.
हमारा घर पुराना हो रहा है राघव, जल्दी आ जाओ प्लीज। घर को रंग जो करवाना है, कलर स्कीम नहीं बताओगे? कलर स्कीम? हाँ कलर स्कीम। अरे हेलो, आर यू सीरियस? क्यों? आज पहली बार पता चला दैट आई हैव मैरिड द रॉन्ग वुमन। व्हाट? अरे भाई, मेरे पेरेंट्स ने अच्छे खासे पैसा खर्चा करके एक आर्ट कॉलेज लड़की से शादी करवाई है, करवाई है नहीं? और तुम एक आर्मी मैन से कलर स्कीम पूछ रही हो? आर्मी मैन? तुम खान के लिए हो, मेरे लिए स्लेव फॉरएवर। पर रहना तुम्हें यहाँ है, मास्टर फॉरएवर। जो चाहे जैसा चाहे पेंट करवा लो, मुझे क्या लेने देना। मुझे तो सिर्फ नए पेंट की खुशबू अच्छी लगती। I love you, Raghav. अब इन दीवारों से खुशबू भी नहीं आती। आ जाओ प्लीज। ची 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 ची, साले उस कल्लू के एक ओवर में दो विकेट दे दिए, जीता हुआ गेम हार गए साले इडियट। क्या बताएं सर, हम लोगों को तो कंपटीशन में जाना ही नहीं चाहिए। और नहीं, बेइज्जती होती है। घर के पिछवाड़े 3 साल प्रैक्टिस करो बस। मैं तो कहता हूँ साहब जी, पैसे खाए हैं। पैसा क्या कम मिलता है सालों को, फिर भी बैट घुमाना नहीं आता। ची ची, पैसा कितना भी मिलता हो साहब, अपना सला जाती पैसा खो रहा है, उसका हाँ। क्या करे। जनता, पिछले साल मैं सिंगापुर गया था। वहाँ इतनी सफाई, वहाँ नीट एंड क्लीन। अच्छा, सड़क पे कहीं भी गंदगी फेंको, पान का पीक फेंको, फौरन जेल में, नो सुनवाई। लेकिन अपने लोगों तो डस्टबिन में रहते रहते गंदगी की आदत पड़ गई। वहां का सफाई पुलिस थोड़ी रखता है साहब जी, तो आदमी रखता है। आप देखिए, आप सिगरेट यहाँ पी रहे हैं और ऐश यहीं पे डाल रहे हैं। अबे साले, तू अपनी औकात में रह, समझा? मुझे सिखाता है, काम की बात कर बस। कितना हुआ? 22 रुपया भेजता हूँ। हाय गिरीश। हाय, आज आप काफी एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रियली? क्या हुआ? आज मुझे 12 पेज की चिट्ठी आई है। अच्छा, कहाँ से? कारगिल से। तुम्हें कभी 12 पेज की चिट्ठी आई? 12 पेज की क्या, 2 पेज की भी नहीं आई है। कोई बात नहीं, मैं लिखूंगी। ओके बाय। अरे गिरीश। हाँ। कल तुम आ सकते हो सवेरे 10 बजे? हाँ हाँ हाँ। मुझे एक क्रेजी आइडिया आया है, तुम और मैं करेंगे। ओके तुम और मैं? हाँ। ओके बाय, थैंक यू। A B C D E F G H। कल रात काफी दिनों बाद तुम मेरे सपने में आई। मैंने देखा कि मैं किसी एयरपोर्ट पे बैठा कहीं दूर जाने के इंतजार में हूं, और तुम हमेशा की तरह डगमगाती हुई, मचलती हुई, अपनी चांद की किरणों वाली मुस्कुराहट बिखेरती हुई मेरी तरफ आ रही हो। मुझे लगा कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है शायद। सपना तो सपने में खूबसूरत था, लेकिन कश्मीर के एक भूले हुए कोने में, बर्फीली ठंड में, तुम्हारा एहसास, तुम्हारी अजीब सी कैफियत मेरे दिल में है रीना। यही बात कि तुम हो, कि मुझे तुम्हारा दिल का पता है, शायद इस वक्त यही मेरे सबसे करीब की सच्चाई है। और यही एहसास इस ठंड में भी एक अजीब सी गर्माहट पहुंचाता है मेरे दिल में।
मैं बहुत सी बातें तुम्हारे सामने कह नहीं पाता। ना जाने क्यों मेरे ख्याल और मेरी जबान मिल नहीं पाती जब तुम मेरे बहुत करीब होती हो। लेकिन मीलों मील दूर तुम्हारे लिए जो प्यार मैं महसूस कर रहा हूं, क्या तुम्हें उसकी धड़कन सुनाई दे रही? अब रात गहरी हो चुकी है, क्या जाने मेरा सपना फिर तुम्हें मेरे करीब, बहुत करीब ले आए। ओहो, इतनी बारिश! वाह, फिर बारिश? तुम्हारा क्या, कुछ भी तो देखने नहीं मिला, एक कमरे में बंद है। बस जो मिला वो एक हनीमून के लिए कम है क्या? क्या मिला? अरे तुम जो मिली, कुछ बारिश की बूंदें और ढेर सारे मी जो हम दोनों के बीच मुस्कुराता गया। एक सपना होना चाहती हूँ तुम्हारे मन के आस पास, बस एक प्यास होना चाहती हूँ तुम्हारे तन के आस पास। ये गीला सा दिन तुम रख लो कहीं, बारिश की ये बूंदे छुपा लो कहीं, ख्वाहिश मेरी सजा लो कहीं, हमारी मंजिल के आस पास। थोड़ी सी मिठास, थोड़ा अपनापन, शबनम जैसी शाम की तन्हाई में, हो हरी हरी सी मुस्कुराहट लेकर तुम आ भी जाओ कोहरे की परछाई में। छुपा लो कहीं, ख्वाहिश मेरी तुम सजा लो कहीं, हमारी मंजिल के आस पास। एक सपना होना चाहती हूँ तुम्हारे मन के पास पास। क्या है? कब से बेल बजा रहा था, स्विच ऑफ था क्या? ठीक है, क्या हुआ? आप ही ने बोला था ना? हाँ? आपको याद नहीं, 10 बज गए। मैंने बोला था? हाँ। क्या बोला था? ओह,
रात के 10 बजे बोला था क्या? नहीं बाबा, सॉरी, तेज नींद लग गई थी। आओ अंदर आओ, आओ। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग रीना। भाई वैसे मेरी मॉर्निंग तो सवेरे सवेरे हो गई थी। मेरा सपना तो अभी का अभी टूटा है बाबा। तुम खुशकिस्मत हो रीना। चलो बाबा। अरे बाबा। रंगा खेत्रपाल बाबा। बाबा एक बात बताइए, आप धनवंतरी हैं, कैसे आप एक ही आवाज में पहचान लेते हैं? क्यों, मुझे पहचानने के लिए तुम्हें 5 बार देखना पड़ता है क्या? बाबा बाबा तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, क्यों? नहीं, ये सूट, ये टाई, मैंने सोचा कि अच्छा तुम कॉफी पीते हो? हाँ हाँ। मैं तो बगैर दूध के कॉफी पीती हूँ। तुम? मैं भी ब्लैक कॉफी। अच्छा बोलो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं बाबा। बाबा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है ना। हाँ। तो मैंने छुट्टियां ली ऑफिस से, अपनी बीवी को शिमला भी नहीं ले जा रहा हूँ, वर्ल्ड कप जो है। भाई रंगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गरम है संभालना। हाँ क्यों, कॉफी ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, शायद शक्कर कम है। सॉरी, और डाल देती हूँ, ये लो बस। हाँ गिरीश, मेरे पास एक क्रेजी आइडिया है, तुम मेरा साथ दोगे क्या? या श्योर श्योर। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन क्या पाया बताइए, साले लोग जिम्बाब्वे से भी हार गए। हाँ लेकिन अब ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। मेरे हाथ में तो नहीं है लेकिन बाबा आपके हाथ में तो है ना। अरे नहीं नहीं बाबा, सुनिए एक मिनट, एक बाबा कुछ घुमाइए बाबा। अरे रंगा देखिए, एटलीस्ट श्रीलंका के साथ भारत को जीतना ही चाहिए। अरे नहीं तो ऑफिस में मेरा सब मजाक उड़ाएंगे बाबा। अरे रंगा ये खेल का मामला थोड़ा पेचीदा है, मैं तो जिंदगी का खेल ही नहीं समझ पाया अब तक, और ये तुम्हारे क्रिकेट का खेल तो जिंदगी से भी पेचीदा है। सुना है इश्तहार के बड़े पैसे मिलते हैं बाबा। बाबा अरे बाबा रंगा, ये बाबा ये क्या कर रहे हो? रहम कीजिए बाबा, रहम कीजिए बाबा, मेरा कुछ नहीं है सिवाय एक पत्नी के, ऊपर वाले ने एक बच्चा तक नहीं दिया। बाबा पत्नी कहती है मुझ में ही कुछ कमी है, हो सकता है मुझ बाबा मुझ में बहुत सारी कमियां है, बस आदि तो मैं भी नहीं जान, लेकिन एक बात, सारी कमियां खत्म हो जाती है बाबा जब इंडिया जीतती। बाबा बाबा मुझे हारना नहीं है बाबा, मुझे हारना नहीं है बाबा, कुछ करो बाबा, प्लीज बाबा कुछ करो, मुझे हारना नहीं है। बस बेटा ये लो। तो फिर क्या बोलते हो, साथ दोगे मेरा? श्योर। गुड, तो फिर कब से शुरू करें? कल से। कल से सुबह 9 बजे? ओके गुड, तो फिर सब कुछ आज ही खरीद के रख दूंगी। हाँ ठीक है। मैं कल 9 बजे से दरवाजा ठोकना चालू करूंगा तो 10 बजे तक तो खुल जाएगा ना? नहीं नहीं, आज के लिए सॉरी गिरीश, वो कल रात को बहुत देर हो गई थी सोते सोते। नो प्रॉब्लम। तो फिर कल? हाँ ठीक है। गुड। तनाव जारी है, सरकारी सूत्रों के अनुसार बटालिक में घमासा युद्ध चल रहा है। देखो यार फिर युद्ध की खबर, कितना युद्ध। अरे आप मैच लगाइए ना। तो लगाता हूँ यार, जल्दी कीजिए ना। आ गया आ गया आ गया है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया मैच जीतेगा।
बच गया बच गया। क्या सुनाई नहीं दे रहा? कल मैं फिर तुम्हारे सपने में आई थी। मैं नहीं थी तो कौन था? कौन रोमी? खान की बीवी राघव। मैं ठीक हूं। बहुत ठंड है क्या वहां? नहीं, रोज तो तुम्हारी याद नहीं आती, बस कभी कभी। राघव, आई मिस यू वेरी मच। मैं रोज तुम्हें महसूस करती हूं। क्या? मैं रोज तुम्हें महसूस करती हूं। आई लव यू टू। अकॉर्डिंग टू जेम्स, ह्यूमन बींग्स यूज 10% ऑफ देयर विप्ड ओपियम, ओपियम हफीम पिलाया जा रहा है पब्लिक को। ये क्रिकेट का हफीम। स्टॉप इट, स्टॉप इट। मैंने खाना बना दिया है, मैं सोदर जी के यहाँ से जाके आती हूँ, ठीक है? लेकिन सुनो, वहाँ जाके टीवी के सामने मत बैठना, भिखारी हूँ तेरा। अरे मैं माला दीदी का हाथ बटाने जा रही हूँ, समझे? जल्दी आ जाना। सुबू, तुम वो डायरेक्ट एक्शन का वक्त आ गया, आप आते हैं? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं बताता हूँ, आइए। लेकिन सुबू मेरी बात। चलो मेरे साथ। अरे यार सुन। सरकार ने द्रास के 11 गांव के लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। माला भाभी, माला भाभी। अरे आइए ना, आइए आइए। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? अरे अपने लोग क्या बोलिंग डाल रहे हैं, देखो। मैं आपके लिए आलू छील दूं? हाँ ये लो। आलू छीलेंगी या टीवी देखेंगी? ओहो भाई साहब, कमाल करते हैं आप। मेरा नंबर वन टीम इंडिया। सुब्रमण्यम, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देखो, कुछ हासिल करने के लिए कभी लाइफ में तकलीफ उठाना पड़ता है। वो केड़ी तकलीफ? इंडिया, इंडिया को हम अफीम से बचाएंगे। कैसी अफीम सुब्रमण्यम, बताओ ना। मैं आपके शोल्डर पे चढ़ूं? शोल्डर पे? मगर क्यों? देखो मुझसे भी कुछ पूछो नहीं, मैं बहुत तथा तंग आ चुका हूँ, मुझे आपके शोल्डर पे चढ़ने दो। मगर किस लिए? देखो ये क्या है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन? लेकिन ये तो कटर है। विप्लवम, चढ़ूं? अच्छा एक मिनट। अप्पा यो सिंह साहब, आप आगे आगे, थोड़ा संभल के, थोड़ा थोड़ा आगे, ऊपर ऊपर। ये क्या हुआ? ओ जी, अरे ये हो क्या गया? क्या हो गया? हा? केबल देखिए ना। अरे अंकल टीवी चल रहा है। टीवी चल रहा है तो ये क्या है? अरे यार ये केबल वाला क्यों मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है ये इडियट? भाई साहब पैसे तो दे दिए थे, पैसे दे दिए थे, लेकिन केबल वाला बेकार है। वो केबल चेक करिए। केबल 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 तो ठीक है, लगता है किसी ने काट दिया होगा। काट दिया केबल? काट दिया? ओ किसने काटा केबल? किसने काटा केबल? चलो देखते हैं। चलो 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 देखेंगे। मुझे लगता है वो केबल वाले की वायर कट गई, हमेशा गड़बड़ करता है। किसी वायर फोन कीजिए, फोन कीजिए, फोन करो लौकर, फोन करो लौकर। हेलो लाइन कट गई? हेलो आपकी भी लाइन कट गई? देखिए देखिए लाइन काटा है। किसने किसने काटा? ये बगल वाले केबल ऑपरेटर ने। दोगे कितना अच्छा मैच चल रहा था यार। दोगे अबे तू तू सो रहा था क्या जब बाहर का आदमी आके केबल काट के गया? नहीं साहब, हम तो गेट पे ड्यूटी कर रहा है। क्या ड्यूटी कर रहा था? सोसाइटी का ऑफिस में कंप्लेंट कर दूंगा, कोई भी आके सोसाइटी में कुछ भी करके जाएगा। कोई सिक्योरिटी है या नहीं? विप्लवम, विप्लवम, हम का माफ कर दो साहब, हम का करी? अब देखो का करी, का करी क्या, मटन करी? माफी मांगता है, क्या कर रहे हैं इसका बताओ? यू स्टूपिड। मां साहब गए केबल वाले के पीछे,
लक्ष्मी को भी तो जाना चाहिए था। मत को देखो, इंडिया ने 8वां विकेट ले लिया 203 पे। हाय रब्बा, अरे भोला तू कितना कुछ जानता है रे। ये केबल कट तो नहीं जाएगा ना? माँ तुम भी ना बस वैसी हो। कैसी? बस वैसी। राघव, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो लोग मुझे कह रहे थे कि राघव, राघव। रीना, पता है कल इंडिया जीत गया अगेंस्ट श्रीलंका, क्या छक्के पे छक्का मारा है राहुल द्रविड़ ने। वो सामान लाया था ना, वो सब चेक करना है। हाँ आओ आओ, अंदर आओ। कितनी बार कहा लिविंग रूम में नहीं, पर ज्यादातर लोग तो वहां पर ही। मुझे किचन में अच्छा लगता है और कभी कभी बाथरूम में। बाथरूम में? किचन में भी? आंटी चुप, लगाएगा कि नहीं? मैं कोशिश। अरे भोला तू, मेरी मदद तो करना। टाइम नहीं। हाँ छोटू, तू मेरी माँ के साथ क्या कर रहा है? अरे आंटी को केबल कनेक्शन मांगता है। केबल कनेक्शन? केबल कनेक्शन टीवी? कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना, उससे रहा नहीं गया। मासिर दबाज। किरेश, काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल। थक गए ना? नहीं, मुझे आपके साथ रहने में अच्छा ही लगता है। तुम्हारे साथ भी रहना मुझे अच्छा लगता है। कल फिर आना, इंतजार करूंगी। हाँ एक बात बताओ रीना। बताओ। मैं सोच रहा था कि कल भोला और गौतम को अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर ले तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। गुड आइडिया, लेकिन वो लोग फ्री होंगे क्या? उन दोनों का तो एक ही ऑक्यूपेशन है। क्या? गप्पे मारना। ठीक है। अच्छा बाय। बाय। लेकिन क्यों? If ever, ever anybody sees this stupid photograph of mine, नतीजा अच्छा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा? 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 Thank you.
पापा आ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना, गाली पड़ेगी ना। यहाँ आए तो सुनाई तो देगा। ये देखो कैसे कमोड के पीछे छुप जाता है। अरे ये तो वाकई कमोड के पीछे छुप जाता है। तो अरे भोला, तो आखिर इतना भोला नहीं है। मैच हुए हुए माँ जीतेगा। ये तो क्या बाप? माला माला लौकर ये लौकर। ओ आले हो आले आले। शुरू हो गए। बैटिंग किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कम ऑन इंडिया, कम ऑन। Stupid for that to happen. It happened once for Indian. One should be enough. Don't make the same mistake twice. Bapri, kya khelte hain sab? Bapri, madam, over me. Arey chaur hai, hoye hoye chaur. Kuchhi. India should know how to bowl them out. It's good toss to win, and it'll be a little battle here for the Australian. Arey, Srinath hero, kya karta hai re? He slips in a gully. The third man and fine leg back. Sha. माँ ये मैच तो अपन जीतेंगे। यस। जडेजा कम ऑन। गुड। बोले नीतू। हाँ जडेजा सेंचुरी बनाने वाला है जी, मैं हूं नहीं आई। बच गए। या सेंचुरी। ए मेरे मालिक, मैं की चावला तो की हो रहा। अबे कितना कितना भारी है बे। तुझे आधी बनाते बनाते मेरी जान ना चली जाए। गुरु आप ही तो हो। याद रखना, कभी भूलना मत। ओके चल पाउचु तथास्तु। अब निकालो। याद रखना बोला, तुझको मेढक से आदमी बनाने में कितना मेरा हाथ है। अब निकालना। चुप साला। अरे दो मिनट शांति से मेरा बात भी नहीं सुन रहे तू। बोल बोल। हाँ मतलब है कि तू जो कुछ भी खाए उसे मिल बांट के खाना, नहीं तो पाप लगता है। अरे मैं हमेशा तेरे साथ चेक करता हूँ। कल शाम को दिया ना सिंगदाना। ऐसा नहीं है रे बुद्धू, हमारा हाँ देवनेर देवी की जय। देवनेर देवी की जय। देना। देख मिल बांट के खाएगा ना। हाँ यार क्या बात करता। हाँ। या। मेरे को मालूम है साला, तुम लोग को ये फोटो देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं है ना। यार तूने तो डरा दिया था गिवेश। हाँ यार अब ये फोटो देख के कब तक काम चलाओगे? रीना ने बुलाया है। क्या बात कर रहा है? बहुत जल्दी। मैं भी आ रहा हूँ। रुक 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 रुक। ए गौतम मेरे को भी उतरने का है। गौतम अभी तू बच्चा है, उधर ही अच्छा है। बाय बाय बोला। ए गौतम ए गिरीश। विशालोवकम 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 समडे। We shall live in peace.
We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. स्वदेश जी, लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? क्या? It doesn't get bigger than this. हाँ, वो टीवी में बोल रहे थे, सुना है मैंने. अरे वही तो बोल रहा हूँ. इंडिया पाकिस्तान को मार दे, वर्ल्ड कप भले ही कोई ले जाए, अपने को क्या लेना ना? सुना है इंडिया की टीम को वीक करने के लिए पाकिस्तान आजकल बॉर्डर पे पंगे ले रहा है. पंगा नहीं सर, इस बार तो जंग छिड़ेगा जंग. अरे यार, तुम अखबार की न्यूज पे भरोसा करते हो? ये 2 पैसे की घटना को रंग भंग चढ़ा के 100 रुपए का दिखाते, तभी तो इनका अखबार बिकता है. वेरी ट्रू. सुनने को मिला है कि जब जब सचिन द्रविड़ चौका छक्का लगाते हैं, ये साले लोग हमारे इंडियन POWs को और टॉर्चर करते हैं. हमारे बहुत लोग मारे जा रहे हैं बॉर्डर पर. भाई साहब, मौत जिंदगी का नियम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बस कल के मैच में इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, अपना सारा बदला चुक जाएगा. सर जी, अपने करीबी जब आदमी मरता है ना, तब पता चलता है चूना कितना है पान में. मरे साले किसी और का पिल्ला मेरा लाडला घर में दूध पी रहा है ना, बस सारी दुनिया ही क्यों ना जल जाए. अरे जल रहा है, तेल डाल जल्दी. हाँ अंकल, लगा रहे हो अभी. वाओ, पुराने घर को पेंट करने से घर एकदम नया सा लगता है ना रीना. लेकिन अगर तुम नहीं होते ना, तो शायद ये काम कभी नहीं होता. और अगर होता भी तो इतना मजा नहीं आता. We had fun, ना? Yeah. मुझे भी पता नहीं था कि पेंटरों के काम में इतना मजा होता है. मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब क्रिकेटर नहीं पेंटर बनूंगा. तुम भी ना गिरीश. रीना, हाँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो. मुझे मालूम है बाबा, इन 2 दिनों में तुमने मुझे ये बात 36 बार कह दी है. मैं काउंट कर रही थी. तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो गिरीश. रियली? अच्छा ये बताओ, कभी तुमको किसी ने डिनर खिलाया है क्योंकि तुम हो? मतलब? मतलब क्या ये भी सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है कि हम हैं, कोई और नहीं? हाँ. चलो कल हम तुम्हारी तुम होने की खुशी में सेलिब्रेट करेंगे, तुम और मैं. अच्छा, ओके, श्योर. मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, अ रियल डिनर डेट. रियली? वाओ, कब? कल 8 बजे. ओके ओके. तुमने मेरे घर को जो पेंट करने में मदद की, उसका भी उधार चुकता हो जाएगा और तुम्हारे तुम होने का एक छोटा सा एहसास. रीना. हाँ बोलो. मैं तुम्हें. गिरीश? कुछ नहीं. बोलो तो. मैं तुम्हें आए. हाँ हाँ. अरे गिरीश क्या हुआ, बोलो तो. आए. हाँ हाँ. अरे क्या हुआ गिरीश? चाइल्डहुड इन्फैटुएशन. रीना. अरे बाबा. रीना. खुश रहे. नमस्कार. तुम्हारी हंसी की झिलमिलाहट सुनी तो मेरे पैरों ने चलना ही बंद कर दिया. क्या बाबा, आप भी कविता करने लगे? नहीं रे, मैं तो बस सच बोलता हूँ. बाबा अगर आप कवि बन जाते ना, तो आपका ये ब्रह्मचारी कब का छूट जाता. इसीलिए तो नहीं बना. रीना, आज तुम्हारे घर की खुशबू बदली हुई है. हाँ बाबा, रंग जो बदला है. नया रंग, नया मोड़. संभल के रहना बेटी. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? अरे मैं, वो कोई खास बात नहीं है. मैं कल शाम को जा रहा हूं ना, तो वो क्या कहते हैं, बाय 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 कहने आया था. आप कल जा रहे हैं बाबा? हाँ. राघव से नहीं मिलेंगे, वो कुछ दिनों में लौट आएगा. नहीं बेटी, शायद इस बार मुलाकात नहीं हो पाएगी. दिस इज द फाइनल गैम्बिट बॉयज. दुश्मन हमारे बिल्कुल सामने है, बस कुछ ही घंटों में दिन निकलने वाला है. एंड देन वी विल अटैक द एनिमी विद सच प्रिसिशन दैट दे वोंट नो व्हाट हिट देम. बटालिक इज आवर्स बॉयज, विक्ट्री इज ऑलमोस्ट वन, वी डोंट हैव अनदर चांस.
I can't, sir. I'm trying. My hands are freezing. My head is swinging. I am sorry, sir. Sorry. Victory's ours, boys! Fire! आए पुत्र, आए मेरे भोले पुत्र। हाँ पापा। ये क्या? टीवी? ओए, टीवी! सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। क्या कर रहे थे साहब? ए काकरी, चुप कर अभी, देख उधर। Call. Wasim's called tails. It's come down heads. ए किसने जीता रे? जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा। आ गया पट्टा, जियो। मार छक्का। अरे रुकना यार, खेल तो शुरू होने दे। अरे खेलने तो दो उसे, तुला मारूंगा। अरे देख बंदे, देखो चुप। वर्ल्ड कप कोई भी ले जाए, लेकिन इंडिया को जीतना है पाकिस्तान के साथ। अरे गिरीश किधर है? सुबह संगल देखा नहीं अभी तक उसको? लड़का है यार, उसको बुला कहीं से भी। एक मिनट। Robin Singh is on strike. Oh, well, ball. Really was an excellent spell from Wasim Akram. 2 for 27. खुश रहे बेटी। बाबा कुछ दिन और अगर आप रहते। नहीं बेटी, बस। कहाँ जा रहा? कहीं भी। अरे? जाने दे बेटी। धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। वहीं जाएगा जहाँ इसके कदम ले जाएंगे। अभी इधर से निकल जाओ सब लोग, बंद करो। ये क्या बकवास है? वॉचमैन, तुम मैचमैन है क्या? क्या करते इधर? जाओ, स्टॉप इट। रीना, रीना।
This is to inform that Major Raghav Seth is missing. Seth is missing in action. Presume. Presume dead? Presume dead? मैं गिरीश देशपांडे, ये मेरे बचपन की कहानी नहीं है बल्कि उस एहसास की कहानी है जो मुझे सिखा गई कि जिंदगी में प्यार चाहिए और प्यार के साथ चाहिए संभोग, लेकिन प्यार और संभोग से भी बड़ी है मौत। अंत में जिंदगी, मौत और जश्न के बीच सिर्फ एक खेल है। चलो लेट्स गो। ओके गाइस। अरे सुजय, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, इंडिया अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, वो भी अगर वो आज रात जीते तो। And the World Cup campaign is over after that. देखो, the next big story is Kargil. Kargil. Try to understand. देखो, rival channel वाले वैसे लोगों को वहाँ भेज चुके हैं. I'm planning to go to Kashmir myself. If we miss this story, we miss the bus. मुझे interview wrap करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें phone करती हूँ. Yeah, wait for my call. TV से on है? Line up है? आज सुबह से घर का phone बस बचता ही क्या? ठीक लग रहा है क्या? जरा नीचे कर दो। तो फिर वो लगभग हर TV company, हर अखबार वाले मुझसे मिलना चाहते हैं। अबे थर्माकोल ऊपर करना साला। जी सर। क्या लगता है कौन जीतेगा? जब तक इंजमाम नहीं जाता। कोई बात नहीं, इंडिया पे मैं और 1,000 लगाया। You can speak, madam. Please, madam. थोड़ा और chin up कर लीजिए। आज कितना खुशी का दिन है। हम जो कल तक इस दुनिया में कुछ नहीं थे, आज तुम्हारे मौत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। Herculean task. अरे और एक जीत देखो, बाहर पटाखे फूट रहे हैं, शायद क्रिकेट में आज इंडिया भी जीत गया। हर तरफ जीत का माहौल है इस शहर में, लोग घर घर मिठाइयां बांट रहे हैं। और तुम कैसे अपने आप से हार गए राघव? तुम तो इतने कमजोर नहीं थे। तो फिर मिसेस सेठ, हमें ये बताइए कि आपके हस्बैंड ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक अजीब सा दुख। मैं तुम्हारी मौत का गम भी नहीं महसूस कर पा रही हूं राघव। आई मीन, मेजर राघव सेठ इस वक्त लापता है, हो सकता है वो शहीद भी हो गए हों।
आपके मन में क्या चल रहा है? आपको आपको क्या फील हो रहा है? कल सुबह फिर सूरज निकलेगा, फिर एक नए दिन की लहर एक आदत की तरह आएगी। आर यू फीलिंग नम? अपने साथ तुम अपनी आत्मा, अपने एहसास को भी क्यों ले गए इतनी दूर? अरे नहीं यार, ये लड़की कुछ भी नहीं बोली। आई थिंक शी इज अंडर ट्रेमेंडस शॉक। बस वो कैमरे को देखती रही देखती रही देखती रही, कुछ बात ही नहीं की उसने। और वो नहीं नहीं यार, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। देखो इसका हस्बैंड लापता है, हो सकता है मर भी गया होगा, हमें क्या मालूम। मुझे लगता है वो जो अगला इंटरव्यू है ना रोमी खान का, वहां हमें ज्यादा मसाला मिलेगा। राघव, मैं ये अधूरा जीवन कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? बस एक बार प्लीज, बस एक बार मेरे लिए ही सही, आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लीज कम बैक। अच्छा फिर मोरी भी ले आई है तू? फ्रेश है क्या मोरी? हाँ, एकदम। कितने में दिया आज? हाँ, क्या 6 का 30 मोरी है, ये क्या ले लेता है? 100 रुपए जोड़ी। अरे नहीं, हमेशा तो महंगा कर दिया। खाना चाहती है पापलेट और भाव बोलती बांगड़े का। अरे लेकिन तेरे पापलेट का साइज भी तो देख, बांगड़े की तरह है ना। पापलेट है, बांगड़ा बांगड़ा है। दीदी क्या बोल रहा है, मुझे तूने 6 का 30 दिया था। अरे भाई वो जवान भाई काफी दिनों से नजर नहीं आई। कौन जवान? अरे वो ही जो मेरे से बहुत सिंपली ले जाती थी, बहुत हसमुख थी वो। हाँ बीना, 3 महीने हो गए, वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बेचारी रीना। मतलब क्या, जैसे आज धीरे धीरे ढलती जाती है वैसे बैट और बॉल ही अच्छा लगता है। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 36 years 27 days। अरे स्टेफी ग्राफ के थाई देखे, थाई थाई भाई मनिका सेलर्स, हाय 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 हाय। अरे तुम देखो तो जाना ना, तुम्हारे लिए स्टेफी ग्राफ ही अच्छी है। स्टेफी नो मैच। अच्छा देखिए मच्छी वाली मैच करेगी काय का तुझे काय म्हणणं आहे? सगळे काय तुमच्या सारखे आहेत काय? अरे चलो घर मच्छी बताती हूं। करेक्ट बात। सारी खुशियाँ थी बाहों में अपनी, और खुशियों की बाहों में हम आया चुपके से, कैसा ये तूफान, आज तन्हा है राहों में हम। ये सांसें रुकी, गोली खा, ठक ठक चले हो कि दुनिया से हम, चले हो कि दुनिया से
गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, भाग न बाटे करमवा बैरी हो गए हमार। सत श्रीकाल जी। की गल है रंगा जी, आज सवेरे सवेरे दफ्तर जा रहे हो? आज इंडिया अफ्रीका है ना, बिग मैच, ऑफिस से जल्दी कटना है। अच्छा जी, एक गल है, तो चलो मैं तुम्हें आज बस स्टैंड तक छोड़ देना। ओ थैंक यू। पता है सरदार जी, मेरा और तेंदुलकर का एक ही नंबर है, लकी नंबर 9। मैं समझा नहीं। बस नंबर 9। ओ। अच्छा रंगा जी, ये बताइए कि ये कौन सा नया कप शुरू हो रहा है? अरे कप अब छोड़िए सरदार जी, इट्स अ बिग मैच। बिग मैच? बैठ जाओ। लेकिन कोई ना कोई तो कप होगा ही ना। डेविस कप। डेविस कप? लेकिन वो तो टेनिस शेनिस में होता है यार। क्रिकेट में भी शुरू हो गया है। अच्छा उसमें भी शुरू हो गया। जी तो पन। हेलो अंकल। हेलो अंकल। रास्कल्स, टू द सेक्रेटरी, एपियम हाउसिंग सोसाइटी। डियर सर, प्लीज अलाउ स्पेशल परमिशन टू पुट अ टेलीविजन सेट फॉर एवरीवनस बेनिफिट इन द कोर्टयार्ड, सो ऑल पीपल एंड कम्युनिटी कैन एंजॉय द मॉन्यूमेंटल मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। योर सिंसियरली गिरीश एंड गौतम। मॉन्यूमेंटल। अंकल वर्ल्ड कप के बाद दो ग्रेट टीम फॉर द फर्स्ट टाइम। मॉन्यूमेंटल, मुझे तुम दोनों का फ्यूचर मॉन्यूमेंटल नथिंग लगता है। सबकी तरह नहीं अंकल। यस सबकी तरह। तो फिर क्या का रोक टोक, इसका मतलब परमिशन ग्रांटेड। ए बंदा रुक, आंखें खराब हो जाएगा। थैंक यू अंकल। ये उन्हीं में पड़े हो जाते रास्कल। मां तुम भी ना, वो क्या कहते हैं एकदम ढो। अरे समझाना मुझे। अरे अगर आप लेग स्पिन का ग्रिप लगा के लेग स्पिन डालते हो तो उसमें कौन सी नोबेल प्राइज जीतने वाली बात है, लेकिन वही लेग स्पिन का ग्रिप लगा कर बॉल को उल्टा घुमाओ तो उसे गुगली कहते हैं। हाँ। और वही बॉल सीधा जाए तो फ्लिप। हाँ, समझ गई। हाँ। रब्बा। हाय रब्बा। बोला कैसे हो तुम? रीना कैसी हो तुम? ठीक हूं। कितने दिन से मैंने तुम्हें, मैं समझती हूं। अरे रीना तू? माला भाभी, वो पौधों को पानी देना था ना, नहीं तो सूख जाते बेचारे। हाँ, लेकिन तूने तकलीफ कब? मैं जिंदा हूं ना। स्वदेश जी। माय गॉड, इतने दिनों के बाद। मैं जा रहा हूं। आई थिंक इट्स वर्थ अ पंट दिस डेज, बट इट्स इजी फॉर मी, आई एम सिटिंग हियर। बंदो बस 20 रन की जरूरत है, दो छक्का दो चौका, मारो सिपाहियों। चुप, उधर देख। हाँ माँ, थोड़ा अकेलापन तो होता है लेकिन नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं पूना नहीं आना चाहती। क्या रखा है यहां? मेरी पूरी जिंदगी है यहां, मेरी जिंदगी। मां मैं आपसे बाद में बात करूंगी। Thank you.
राघव तुम पहले भी कभी नहीं थे, आज भी नहीं हो। मैं पहले कभी इतनी अकेली नहीं थी। लेकिन आज मैं इतनी अकेली क्यों? 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 बंधुओं दुआ करो, सिंह साहब मारो। यार हल
हल्लू हल्लू चल डार्लिंग तू संभल गिर ना जाना यार ऐसे ना मचल जाए ना फिसल गिर ना जाना कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो जाता हर कोई स्टंप मेरी स्टंपिंग हो गई रे स्टंपिंग हो गई रे How's that? हमसे तो कहा था किसी ने जो जीता वही है सिकंदर हारे हम ना कभी कोई बाजी फिर भी क्यों है सर्कस के बंदर जी ले तू ये लम्हा जी ले कल किसने देखा है रे ये सर कब झुके ये सांसें रुके ये सर कब झुके ये सांसें रुके चले हो के दुनिया से स्टंप स्टंप अल्लाह स्टंपिंग हो गए रे रामा स्टंपिंग हो गए रे ओ पापे स्टंपिंग हो गए ओ गॉड स्टंपिंग हो गए रे हा